आप टेक्स का शैम्पू यूज कर रहे हैं और डेली बाथ में अगर आप यूज कर रहे हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक है और आप देखो, अगर आप अपने डॉग पे टेक्स वाला शैम्पू अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार वीडियो को आप जरूर पूरा देख लें, तो आप वो शैम्पू यूज करना बंद कर देंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप टेक्स का शैम्पू यूज कर रहे हैं और डेली बाथ में अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपके डॉग को बहुत स्किन ट्रबल हो सकती है, वो रेगुलर बाथ के लिए नहीं है। दोस्तों अगर आप अपने डॉग को रेगुलर बाथ करा रहे हैं तो स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाएगी आपके डॉग की, जो कि नहीं होनी चाहिए। ड्राई होगी, डैंड्रफ आएगी और ट्रबल्स उसको होना स्टार्ट हो जाएंगी और डॉग आपका अपनी स्किन को काटने लगेगा, क्योंकि स्किन ड्राई होगी तो खुजली मचेगी। जैसे हम बहुत बार हाथों को बार बार धो लेते हैं, कई बार आप देखते होंगे तो हाथ ड्राई हो जाते हैं और बेसिकली सर्दियों में बहुत ज्यादा होते हैं, तो हम हाथ धो रहे हैं, ड्राई हो जाते हैं और अगर हम कुछ ऑयल क्रीम नहीं लगा रहे अपने स्किन पे, हाथों पे, तो वो खुजली मचने लगती है, मचाते हैं ना हम लोग। तो सेम वैसे ही अगर डॉग की स्किन ड्राई हो रही है तो वो खुजली करेगा, उस बेचारे को तो मालूम नहीं। अब खुजली जहां भी होगी बॉडी में तो बट नेचुरल सी बात है, हमारा हाथ जाएगा, डॉग है तो डॉग का मुंह जाएगा, पंजे जाएंगे तो वो खुजाएगा और खुजाते खुजाते ब्लड तक निकाल देगा अपनी बॉडी। तो ये दिक्कत ना बढ़े आपके डॉग को, तो इसलिए टिक्स का शैम्पू आप बिल्कुल अलग रखिए। अब महीने में एक बार आप बाथ दे सकते हैं और रेगुलर बाथ के लिए आप कोई अच्छा हर्बल शैम्पू आप यूज करिए या जो भी आप शैम्पू यूज करें, बहुत अच्छा आप शैम्पू यूज करिए। हमेशा ऐसा नहीं कि एंटी फंगल आप यूज कर रहे हैं या एंटी टिक आप यूज कर रहे हैं, वो सब मत करिए। रेगुलर बाथ के लिए एक अच्छा आप अच्छा शैम्पू आप यूज करिए। दूसरा, अगर आप ऑयल से एक बार अगर 15-20 दिन में मालिश करना चाहते हैं तो आप ऑयल से भी हल्का सा एक मालिश कर सकते हैं अपने डॉग पर और फिर आप उसे नेक्स्ट डे आप बाथ दे दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके डॉग को। वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने मित्र परिवारजनों के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।